हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा गाइस वी आर हेयर विद एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स पार्ट 33 और आने वाले कुछ दो-तीन पार्ट्स के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं दो तो लगा करके ही चलो इंक्लूडिंग दिस इनके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं ना आपके स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे कि मैं आपके साथ सारे डेज डिस्कस करूंगा लेकिन पिछले पांच छह आठ महीनों के हम डिस्कस कर लेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेज जो भी उसमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी जैसे कि थीम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होगी वो हम डिस्कस करेंगे थ्रू एमसी ठीक है तो ये इसका टारगेट रहेगा एंड आज के जो टेन एमसी हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के उसके अंदर भी बेसिकली यही टारगेट रहेगा सो लेटस क्विकली स्टार्ट एंड बिफोर स्टार्टिंग इट ये टू थाउजेंड प्लस एमसीक्यू कोर्स इसको जरूर एक्सप्लोर कर लो दोस्तों एंड मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पीडीएफ फाइल्स सारी की सारी अपलोड हो चुकी हैं एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ फाइल्स अब हम uh, टेलीग्राम की जगह आपको पीडीएफ फाइल्स जो है वो वेबसाइट के ऊपर मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगी लेकिन वहां पर आपको एक जगह पर वो पीडीएफ फाइल्स अरेंज मिल जाएंगी तो सारे करंट अफेयर्स की फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं लिंक मैं अभी टेलीग्राम के ऊपर साथ के साथ शेयर कर दूंगा उस कोर्स का वहां पर जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो चलो जी फटाफट से क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं बिना समय वेस्ट करे फर्स्ट वर्ल्ड सोइल डे वाज ऑब्जर्वड इन द ईयर यहां पर अब क्वेश्चन ये नहीं है कि वर्ल्ड सोइल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है क्वेश्चन है कि पहला वर्ल्ड सोइल डे किस साल में सेलिब्रेट किया गया था पहला वर्ल्ड सोइल डे किस साल में सेलिब्रेट uh, किया गया था ऑप्शन ए है ऑप्शन ए 2012 बी 2014 सी 2016 डी 2018 एंड ई विल बी नन ऑफ द अबव तो इसमें क्या सही आंसर होगा फर्स्ट वर्ल्ड सॉइल डे किस साल में ऑब्जर्व किया गया तो so यहां पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2014 2014 जो है ये करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वर्ल्ड सॉइल डे का एंड फर्स्ट वर्ल्ड सॉइल डे फिफ्थ दिसंबर 2014 ये हर साल दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है तो ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड सॉइल दिन सेलिब्रेट होता है पांच दिसंबर को ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है वर्ल्ड सॉइल डे काफी इंपॉर्टेंट एक डे कंसीडर किया जाएगा एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो फिफ्थ दिसंबर याद रखेंगे अच्छे से कि कब आपका वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट होता है फिफ्थ दिसंबर को सेकंड थीम फॉर द वर्ल्ड सॉइल डे 2022 जो आपका वर्ल्ड डे सेलिब्रेट हुआ था uh, 2022 में उसकी क्या थीम थी जो 5 दिसंबर को वर्ल्ड क्वेश्चन पेपर के अंदर तो याद होनी चाहिए ऑप्शन ए सोइल ऑप्शन बी सॉइल डाइवर्सिटी ऑप्शन सी सॉइल वेयर फूड बिगेन्स ऑप्शन डी सॉल एंड लाइफ एंड ऑप्शन तुक्केबाजी देखो क्या ही करोगे इसके अंदर गेस वर्क क्या करोगे इसमें कोई स्कोप नहीं है गेस वर्क का ओके सो द राइट आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन सी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा वेयर फूड ये जो ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो तीन फैक्ट यहां पर याद कर लिए पांच दिसंबर को हर बार सेलिब्रेट किया जाता है 2014 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था और 2022 का जो थीम था वो था सॉइल वेयर फूड बिगेन्स थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ऑफ द नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स वॉन द किंग भूमि बॉल वर्ल्ड डे अवार्ड ये बेसिकली थाईलैंड uh, की जो सरकार है वो ये अवार्ड देती है किंग भूमि बॉल वर्ल्ड वाइल्ड डे अवार्ड और ये वर्ल्ड स्वाइल्ड डे पे ही दिया जाता है ठीक है और ये बेसिकली इस यूनिवर्सिटी को दिया गया था ये यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी है इस यूनिवर्सिटी को क्यों दिया गया था क्योंकि अवेयरनेस रेजिंग का, का काम किया था इन्होंने हेल्दी सॉइल से रिलेटेड तो यहां पर आपको बताना कंट्री कौन सी है यूनिवर्सिटी ऑफ डैश हमने कर दिया है ऑप्शन ए मैक्सिको मलेशिया मॉरिशियस मोल्डोवा नन ऑफ दी अबव ठीक है तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईबीपीएस का जो मेन्स बच्चे इस बार पेपर देने जाएंगे उनके लिए ये सब क्वेश्चन है ऑप्शन जो आपका है दैट विल बी ऑप्शन ए मैक्सिको मैक्सिको जो है इसमें सही जवाब रहेगा ठीक है यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको को ये किंग भूमि बॉल वर्ल्ड वर्ल्ड डे अवार्ड मिला है ओके सो किंग भूमि बॉल वर्ल्ड वर्ल्ड डे अवार्ड 2022 Of Mexico, uh, क्योंकि awareness raising का काम किया था uh, जो award ceremony है वो Bangkok के अंदर ही रखी गई थी And, uh, ये किसने दिया किसने नहीं दिया ये सब uh, important नहीं है किसने किया ये भी important नहीं है सब छोड़ सकते हो ठीक है जी चलो फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ सेवेंथ इंडिया वाटर वीक वो सेलिब्रेट किया गया था किन के ऊपर सेवेंथ यानी कि पहला नहीं है सातवीं बार यह इंडिया वाटर वीक सेलिब्रेट किया गया आपको बताना है कि ये इंडिया वाटर वीक के डेट्स क्या थे ए कहता है फर्स्ट टू फिफ्थ नवंबर बी सिक्स टू ट्वेल्थ नवंबर सी ट्वेल्व टू एटीन डी फर्स्ट टू फिफ्थ दिसंबर एंड ई नन ऑफ नी अब तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा सेवेंथ इंडिया वॉटर वीक तो ये बेटा सेलिब्रेट किया गया था ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फर्स्ट टू फिफ्थ नवंबर को बेसिकली आपका जो है सेवेंथ इंडिया वाटर वीक सेलिब्रेट किया गया था कब फर्स्ट टू फिफ्थ नवंबर ओके तो बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा एजुकेशन करता है जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है और इस साल का जो थीम था अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टली क्वेश्चन थीम के ऊपर पूछ सकता है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी जो था इस बार का थीम था इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी वर्ल्ड वेगन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन वर्ल्ड वेगन डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया ऑप्शन ए थर्टी फर्स्ट अक्टूबर बी फर्स्ट नवंबर सी फोर्टींथ नवंबर डी थर्ड दिसंबर नन ऑफ दी अबव तो वर्ल्ड वेगन डे बेटा किस दिन सेलिब्रेट हुआ अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है या तो आता है या नहीं आता है तुक्का लगा के कोई फायदा नहीं है नेगेटिव मार्किंग होगी आंसर यहां पर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी फर्स्ट नवंबर पहली नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे सेलिब्रेट किया गया था कब फर्स्ट नवंबर थीम वगैरह इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ दो क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाएगा जी ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक जो सेलिब्रेट हुआ था 2022 के अंदर इस ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक की थीम क्या थी ये आपके ऑप्शंस हैं ए कहता है इंडिया एट है, 75 ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव एंड फ्यूचर हेड कोऑपरेटिव सेक्टर एंड ग्रास रूट ग्रोथ कोऑपरेटिव एनकरेज कॉपरेशन कोऑपरेटिव एंड वुमेन एम्पावरमेंट तो इसमें से आपको थीम बताना है इंडिया कोऑपरेटिव वीक का यहां पर जो आपका सही जवाब होगा याद रखिएगा डायरेक्टली पेपर के अंदर वो पूछ सकता है चौदह नवम्बर बीस नवंबर ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली पेपर के अंदर पूछ सकता है कॉपरेटिव सेक्टर की अचीवमेंट्स को बेसिकली हाईलाइट करता है ये ये सिक्सटी नाइन्थ ऑल इंडिया कॉपरेटिव वीक सेलिब्रेट किया गया था इस बार और थीम मैं आपको ही चुका हूं 75, ग्रोथ तो इतनी इन्फॉर्मेशन अगर दिमाग में रहेगी सफिशियंट है इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी वर्ल्ड एंटी मैक्रोबियल अवेयरनेस वीक वॉज सेलिब्रेटेड इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बेसिकली जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, okay? so, है इंटरनेशनल बॉडीज ने कि जो हम पेस्टिसाइड इंसेक्टीसाइड वगैरह यूज करते हैं क्रॉप कल्टिवेशन के टाइम पर वो भी एक रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होने में तो ये वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक किस महीने में सेलिब्रेट किया गया था द आंसर हेयर गाइज इज ऑप्शन सी नवंबर नवंबर के मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है जी और 18 से 24 नवंबर तक थीम क्या था मीटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टूगेदर तो ये दो याद रख लेंगे सफिशियंट एर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड फिशरीज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये रहे आपके ऑप्शन वन नवंबर इलेवन नवंबर ट्वेंटी वन नवंबर वन दिसंबर ठीक है जी अगेन डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड द आंसर हेयर विल बी ऑप्शन सी ट्वेंटी वन नवंबर क्वेश्चन नंबर नाइन के ऊपर आ जाओ जी नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन नेशनल मिल्क डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये आपके ऑप्शन है अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है वर्गेस कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ई ट्वेंटी सिक्स नवंबर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वर्गेस कुरियन इज नोन एज द फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन इन इंडिया टेंथ क्वेश्चन है जी वर्ल्ड वेजिटेरियन डे किस दिन सेलिब्रेट होता है डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सा क्वेश्चन थीम वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी एंड द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन ए फर्स्ट अक्टूबर पहली अक्टूबर को आपका वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेट किया जाता है ओके सो दीज वर द द्विक टेन क्वेश्चन अगले पार्ट के अंदर भी इसी तरीके से डेज के ऊपर ही क्वेश्चन लेकर के आऊंगा पीडीएफ मैंने आपको बताया टेलीग्राम पे नहीं उसका लिंक जो है वो मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन uh, के अंदर टेलीग्राम को लेकिन आप ज्वाइन कर लो चैट में हेल्प मिलेगी वहां पर अपडेट्स आते रहेंगे एंड कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो टेलीग्राम कर सकते हो ऑल राइट सो सी इन द नेक्स्ट क्लास गाइस टेक केयर एंड बाय एंड डू सब्सक्राइब द चैनल